एआई का जमाना है, रोबोट भी, ऐसा कहा जा रहा है कि रोबोट भी कहीं आगे जाकर जो ह्यूमन बींग है उनका प्लेस ले रहे हैं। तो पर्सनली आप कितना सपोर्ट करते हैं एआई और ये सब रोबोटिक ये सबको? देखिए, आपका सवाल जो है वो बहुत रेलेवेंट है। फिल्मों का काम होता है कभी कभी लोगों को वो दिखाना जो आम जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। स्पेशली आई थिंक आजकल ऑडियंस वो चीज़ें देखना पसंद करती है जो मे बी आम जिंदगी में उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये पहली ऐसी लव स्टोरी है जो मेरे पास आई, वेयर आई फेल्ट कि यार ऐसा मैं आज एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, लेकिन 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल 3 साल ये पॉसिबल है, ये हो सकता है और शायद ये होगा, यू नो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता बिकॉज आई थिंक वील रिवील टू मच ऑफ द स्टोरी, बट आई मस्ट से कि आराधना और अमित ने ये जो कहानी लिखी है, हर वो सवाल जो आपका होगा कि ये इतनी नॉर्मल कैसे है, कैसे दो लोगों को प्यार हो सकता है, यू सी देम दे आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर ऑल्सो, तो ये सारे सवाल जो है जो ऐसा लगता है यार ऐसा कैसे होगा यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वी हैव एड्रेस्ड ऑल दोज थिंग्स वाइल वी आर एंटरटेनिंग द ऑडियंस विद अ फन फिल्म। कहीं पे भी इसमें यू नो कुछ ऐसा वो नहीं है ज्यादा सीरियस, बट इन वेरी वेरी एंटरटेनिंग सीन्स ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एड्रेस्ड। क्या ये चीज अच्छी है? एक तरफ टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी क्या इंसानों को चेंज कर रही है, क्या आजकल आप दूसरे लोगों से ज्यादा टाइम अपने फोन पे बिता रहे हैं, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो ए आई, इट्स यू नो इट्स एन एल्गोरिथम दैट इज कीपिंग यू एडिक्टेड, यू नो। तो आप दूसरों से दूर हो रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा पास जा रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस कर सकती है? टू द डिग्री ऑफ अ लाइफ पार्टनर, वो हमारी फिल्म की कहानी है, बट देर आर सो मेनी अदर प्लेसेज वेर इट कैन एंड इट ऑलरेडी इज, यू नो। एनीथिंग दैट इज गेटिंग ऑटोमेटेड इज टेकिंग अवे द वर्क ऑफ लेबर, यू नो। सो ऑफकोर्स दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, व्हाइल वी आर एंटरटेनिंग यू विद एवरीथिंग ऑल दोज थिंग्स विल बी स्पोकन अबाउट बट इन द फिल्म, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ।